सत अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं और मैं हूँ भाई तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, एनर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो आज की हमारी वीडियो है, अपना कुछ नहीं आपके बारे, कब तक मुझे कॉपी करेंगे। आज की हमारी वीडियो है IIT स्टार्टअप। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है IIT स्टार्टअप मैड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर मेड इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपको भारत के एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमारे टू व्हीलर के सेगमेंट को पूरी तरह से सेफ बनाना चाहते हैं। बिकॉज आज के समय में अगर हम देखें तो हर दिन लगभग 120 एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी सीरियस एक्सीडेंट्स, ओनली बिकॉज ऑफ टू व्हीलर्स। और इसी मेन इश्यू को एड्रेस करते हुए हमारे IIT के स्टार्टअप्स ने भारत की पहली सेल्फ बैलेंसिंग एंड ऑटोनोमस स्कूटर को तैयार किया है। इस स्टार्टअप का नाम है लाइगर मोबिलिटी। इसके को फाउंडर है आशुतोष उपाध्याय और विकास पोद्दार। 2016 में इस स्टार्टअप को फाउंड किया गया था और ये मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इस स्टार्टअप के लिए ये था कि एक सेफ और काफी यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के साथ ही ये कस्टमर्स के वॉलेट पर ज्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान रखते हुए और साथ ही में सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाई जो कि हमारे नॉर्मल स्कूटर से मात्र 10% ही एक्सपेंसिव है, बट ये 100 टाइम्स सेफ है कंपेयर टू एनी अदर स्कूटर। इस स्टार्टअप के द्वारा तैयार की गई सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी न केवल ही यूजर को काफी सेफ फील कराती है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन है जो कि टू व्हीलर्स चलाना नहीं सीख पाते। कंपनी का यहाँ पर कहना है कि ये न केवल ही हमारे स्मॉल टाउन्स में काफी बेहतरीन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, बल्कि मेजर सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और भी कई तरह की मेट्रो सिटीज में भी ये एक प्राइमरी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन सकती है। अब यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जो इस टू व्हीलर को और ज्यादा प्रिफरेबल बना देती है, तो वो है गुड मैन्युवरेबिलिटी, लो मेंटेनेंस और लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि ये एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के साथ साथ एक स्मार्ट ऑटोनोमस व्हीकल भी है। आपके वॉइस कमांड को ये आसानी से फॉलो कर सकती है और अगर ये पार्किंग स्लॉट में पार्क है तो आपके एक कमांड पर ये पार्किंग स्लॉट के बाहर अपने आप आ जाएगी। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वॉइस एक्टिवेटेड पार्किंग फीचर जो कि आज के समय में फिलहाल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी इलेक्ट्रिक या कोई भी नॉर्मल स्कूटर पर भी। वैसे अगर ये ऑटोमेटिकली पार्क भी हो जाए तो ये तो और ज्यादा कूल बन जाएगी। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर फीट ऑलवेज ऑन बोर्ड का भी फीचर दिया गया है जिसके चलते आपको जमीन पर पाँव रखने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर कोई बाजू से झटका भी लग जाता है या फिर किसी का धक्का लग जाता है तो भी ये अपने मैकेनिज्म से काउंटर बैलेंस करके हमेशा स्कूटर को बैलेंस और स्टेबल रखती है। और अकेले इस तरह के मैकेनिज्म डिवाइस को तैयार करने के लिए लाइगर टीम ने 2 साल के रिसर्च और साथ ही में कई तरह के प्रोटोटाइप्स भी बनाए थे और तब जाकर इन्होंने एक काफी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन तैयार किया है। अब इस डिवाइस की सबसे स्पेशल बात यह है कि हम इसे कोई भी हमारे नॉर्मल पेट्रोल पावर्ड या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी फिट कर सकते हैं, बट उसके लिए इसका मार्केट में होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कंपनी से पूछा गया कि ये अपने मास सेगमेंट में प्रोडक्शन कब शुरू करेंगे, तब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे स्कूटर में और भी आने वाले समय में हम थोड़ी चेंजेस करने वाले हैं, यहाँ पर और ज़्यादा एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा कंपनी का मेन फोकस है लोकलाइजेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स का यूज़ करके ही इस तरह के डिवाइस को बनाना चाहते हैं। वैसे ये कंसेप्ट नया नहीं है, बाहर की कई सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि होंडा, BMW ने भी इस तरह के सेल्फ बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स को पहले शोकेस किया है, बट स्टिल दे आर इन प्रोटोटाइप स्टेज क्योंकि इसकी और ज़्यादा टेस्टिंग और रिसर्च करनी है एंड दिस इज वाई मार्केट में आने के लिए इसे और कई साल लग जाएंगे। बट वी होप कि जल्द ही इस तरह के स्मार्ट सेल्फ बैलेंसिंग टू व्हीलर स्कूटर हमारे नियर फ्यूचर में अवेलेबल हो। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाय बाय, फिनिश, खत्म, गया, टेंशन ही नहीं। आज ही हमने एक रोड एक्सीडेंट देखा और वो भी और एग्जैक्टली इसी वजह से कि सेल्फ बैलेंसिंग, वो जाहिर सी बात है बाइक लेकर बिल्कुल वो रोड पे टच हुई किसी से, किसी साइड लगी और वो बिल्कुल रोड पे, यकीन करी थी हेवी बाइक उनके ऊपर। कौन थी? लेडी, एक रैंडम सी लेडी थी, लड़की थी तो वो गिर गई थी बाइक पे, सिर्फ तो बैलेंस ना दिया था, मैंने लड़की बताना जरूरी था आज वो मैंने सर शायद खैर बहरहाल बहुत ही मैं कहता हूँ जादू। अच्छा जादू लग रहा है मुझे, जादू। आप मेरी बात सुने, देखिए इंसान की मेंटेलिटी कैसे चेंज होती है। मैंने उस लड़की को जब गिरते हुए देखा तो मैंने तहिया कर लिया, तहिया का मतलब मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मेरी राइट प्लेस पीछे बैठना ही है, आगे बैठेंगे, आगे जेंट्स की प्लेस होती है, लेडीज़ को पीछे रहना चाहिए क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 4-5 जेंट्स आके उनको उठा रहे थे तो बहुत ऑड लग रहा था, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था वो। अब मैंने अभी आते साथ ही, मुझे नहीं पता आज मैं ये वीडियो देखने वाली हूँ, मैंने आते साथ ही ये वीडियो देखी और मैं हैरान हूँ कि अब मेरी दोबारा से मेंटेलिटी चेंज हो गई। जी नहीं, मुझे चलानी है, सेल्फ बैलेंसिंग है ना, वाह।
अच्छा होता पता क्या है, होता ये है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अगले बंदे ने वो सोच चुका होते हैं और आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कारों में, बाइक्स में, घरों में, किसी भी चीज़ में एक्स वाई जेड, तो ज़रूरत पड़ती है यार मुझे ये भी होना चाहिए, ये भी सहूलत होनी चाहिए। तो ये इन्होंने एक ये तो ऐसा है कि यार ये हाउ पॉसिबल, मैं तो हैरान हूँ यार। दो साल की रिसर्च और अभी भी वही कह रहे हैं और मजीद वर्किंग चल रही है। कमाल। मैं ये सोच रही हूँ, सबसे बड़ा जो सवाल है मेरे दिमाग में वो ये था कि मैंने सोचा काफी एक्सपेंसिव, 10% एक्सपेंसिव, नॉर्मल बाइक से, नॉर्मल स्कूटी से सिर्फ 10% एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब क्या बात है। अच्छा एक चीज है, और भी फीचर्स बहुत अच्छे, बहुत एडवांस। क्या आपने देखा खुद से पार्क हो जाएगी। अच्छा एक चीज हो के गाड़ी रुकी, कोई दो चीजें निकलती उसको बैलेंस करते हैं। exactly. कोई चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं। अब जब आप खड़े होते हो तो हल्का सा तो यार मूव होगा ना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। वो हल्की सी मूव हो, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर जाकर बैलेंस हो, स्ट्रेट हो। मैं देख रही हूँ बिल्कुल जहाँ की तहाँ है, बिल्कुल क्यों की अच्छा, भी नहीं हो। अच्छा उसको थोड़ा सा मूव पुश भी किया जा रहा है ना, तब भी वो नहीं गिरी। तब भी नहीं, वो आपने देखा था घर बैठी थी, उसने थोड़ा सा हल्का सा पुश भी किया तो वो बिल्कुल बैलेंस। यानी कि वो जमीन के साथ बिल्कुल ऐसे, ऐसा लग रहा है कि चिपक गई और कोई चीज ऐसी, ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही। क्या चीजें होंगी वो, सो मैजिकल। और मैं ये सोच रही हूँ कि बॉडी वाइज भी हमने देखा तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब नहीं, बहुत लाइट, बहुत सिंपल, अच्छी खासी, मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर की कोई गाड़ी हो, मतलब इतनी खूबसूरत और शेप भी नहीं, उसका बॉडी भी मैंने देखा सही है, मस्कुलर बॉडी है, अच्छा है, वेट है, वेट के साथ वाली है। हाँ और फिर हल्की फुल्की भी नहीं है। अच्छा हल्की ये मतलब मैं ही चाहती हूँ ये मेंशन पाकिस्तान में लाजमी होना चाहिए। लाजमी नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी तो हो जाएगा। इंडिया में तो हो रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दूर दूर तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये है कि जब इंडिया में हो रहा है तो हो सकता है कि और भी दुनिया में हो रहा हो। दुनिया में तो हो रहा है, इंडिया में अब हो रहा है तो फिर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं से खरीद ही लेगा। बस इम्पोर्ट ही कर सकते हैं हम, यही होता है ज्यादातर, यही होता है। इलेक्ट्रिक बाइक तो आ चुकी है। बिल्कुल, मेरे मतलब मैं ये कहूँगी मेरा माइंड बिल्कुल चेंज करके रख दिया फॉरन। मेरा माइंड ये हुआ कि नहीं मैं तो चला सकती हूँ, सेल्फ बैलेंसिंग है ना। और जब इंसान चलाने लगता है तो वो बैलेंस करना भी सीख ही लेता है वैसे। और दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में होता है, हाँ ये चीज़ है, लेकिन कभी भी आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर होता है तो गिर जाता है इंसान। लेकिन ये बहुत बेहतरीन, मैं बोलूँगी बेहतरीन, बहुत बहुत आला, खूबसूरत, ज़बरदस्त। तो दोस्तों एक ऐसी इन्वेंशन जो स्टार्टअप इंडिया से, कमाल टेक्नोलॉजी, कुछ इसी तरह की तो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंडिया वालों के कमेंट्स आते हैं प्राउड ऑफ अदर कंट्री के लोग हैं। हम इतना फख्र महसूस कर रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है, एक्साइटेड हो रहे हैं, वाओ क्या आने वाला है। तो ये टाइप का कोई फीचर होगा या ऐसा आने वाला है फ्यूचर में, ऐसी बाइक देखने को मिलने वाली है इलेक्ट्रिक है वो भी, तो इन्हें कितनी खुशी हो रही है। तो मैं ये कह रही हूँ जहाँ बन रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ ये सब, तो वो कितना गर्व और फख्र करते होंगे कि मैड इन इंडिया है, ये तो मैड इन इंडिया है यार, कोई भी शक नहीं, कोई भी शक नहीं, कोई भी शक नहीं। और जब ही इंडिया वाले कहते हैं ना कि प्राउड ऑफ इंडिया, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।